हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकित कुमार। आज हम रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर क्लास 12 का पढ़ने जा रहे हैं। उस पर कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। फर्स्ट है सेट्स। सेट्स का डिफिनेशन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। वेल डिफाइंड डैट मीन्स ये ए है, इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, ये वेल डिफाइंड है। बट अगर हम एक एलिमेंट लेते हैं बी, इसमें 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक गया ये वेल डिफाइंड नहीं है। इस पर हम बता नहीं सकते कि इसका अंत कहाँ है। और फिर हम दूसरा आते हैं कार्टिसन प्रोडक्ट। कार्टिसन प्रोडक्ट डैट मीन्स ये दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों का जब प्रोडक्ट होगा उसको हम कार्टिसन प्रोडक्ट बोलते हैं। ए क्रॉस पी डैट मीन्स ए क्रॉस पी डैट मीन्स A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2। और अगर यही हम इसको अपोजिट कर दें, P क्रॉस A कर दें, तो फर्स्ट में P का एलिमेंट आ जाएगा, फिर A का एलिमेंट आएगा। तो यहाँ पे वही हुआ है, 1A 1B 1A 1B 1C 1D 1C 1D 2A 2B 2A 2B 2C 2D। ठीक है, पर ये हमेशा, ये कभी इक्वल नहीं होगा ए क्रॉस पी और पी क्रॉस ए। ए क्रॉस पी और पी क्रॉस ए इज नॉट इक्वल। और डोमेन, अब हम डोमेन सीखेंगे, डोमेन क्या होता है। डोमेन जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारा डोमेन होता है। तो ये इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें बी है, इसमें भी बी है, इसमें सी है, इसमें भी सी है, इसमें डी है, इसमें भी डी है। पर ए ए दो बार है तो हम एक ही बार लिखेंगे। फिर बी है, अगर एक ही एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसको हम बार बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ ए है, बी है, सी है, डी है, ये हमारा डोमेन हो गया। और रेंज हम दूसरा एलिमेंट को बोलते हैं। तो यहाँ पे डैट मीन्स ये अगर एक्स है तो ये वाई है, एक्स अगर डोमेन है तो वाई रेंज होता है। तो इस पे रेंज है 1, 2, फिर ये रिपीट हो रहा है 1, 2, तो ये रिपीट को नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे अगर 3 रहता तो यहाँ पे हम 1, 2 और 3 लिखते, लेकिन ये रिपीट हो रहा है तो हम नहीं लिखेंगे, 1, 2 ही रहेगा। रिलेशन, रिलेशन होता है सबसेट, सबसेट इसको सबसेट बोलते हैं, और ये इक्वल टू का साइन है। तो रिलेशन होता है सबसेट और इक्वल टू कार्टिसन प्रोडक्ट। रिलेशन कभी भी कार्टिसन प्रोडक्ट से बड़ा नहीं होता है। डैट मीन्स ये कार्टिसन प्रोडक्ट है तो इसी के अंदर में जो एलिमेंट्स है उसी को हम कार्टिस रिलेशन लिख सकते हैं। तो एक एग्जांपल है, R इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, एक्स इज अ भोवेल एंड वाई इज अ इवन नंबर। एक्स अगर भोवेल है तो वाई इवन नंबर हमको लेना है। तो वो कौन कौन सा होगा इसमें, एक्स भोवेल और वाई इवन है, तो ये एक्स भोवेल है लेकिन वाई ऑड है। यहाँ पे एक्स भोवेल है और वाई इवन है, तो हमारे पास एक ही है। भोवेल तो ए ई आई ओ यू होता है, तो इस पे सिर्फ ए है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये एक ही है हमारे पास, ए कॉमा टू। अब हम फंक्शन सीखेंगे। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच डोमेन शुड नॉट बी रिपीट। फंक्शन ही एक स्पेशल टाइप है रिलेशन का जिसपे डोमेन रिपीट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 5, 6, 7, 8, 3, 2। बट ये फंक्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसका डोमेन है वो रिपीट कर रहा है। अगर हमारा डोमेन रिपीट नहीं करता और हमारा रेंज रिपीट करता, यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे भी अगर 2 हो जाता तो भी हम इसे फंक्शन बोल सकते, लेकिन डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम रिलेशन के कुछ टाइप सीखेंगे। रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव व्हेन ए कॉमा ए इज बिलोंग टू आर। डैट मीन्स अगर 1, 1 बिलोंग कर रहा है आर को तो ये रिलेशन है। उसी तरह हम ये क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। इज सिमेट्रिक इफ ए कॉमा बी इज बिलोंग टू आर देन बी कॉमा ए इज बिलोंग टू आर।
ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी अगर रिलेशन में है तो उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। उसी प्रकार से रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव हो गया, रिलेशन इज ए ट्रांजिस्टिव। उसी प्रकार से ट्रांजिस्टिव के बारे में जानेंगे, ट्रांजिस्टिव क्या होता है। इफ़ ए कॉमा बी इज बिलोंग टू आर, बी कॉमा सी इज बिलोंग टू आर, तो हमारा ए कॉमा सी भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, तब ये हमारा ट्रांजिटिव होगा। तो उसी प्रकार से एक एग्जांपल है, जैसे कि 1,1, 2,2, ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ए कॉमा ए था तो 1,1, 2,2। अब ये हमारा, अब ये हम देखते हैं, ये सिमेट्रिक का एग्जांपल है। 2,3, ए कॉमा बी, तो ये ए कॉमा बी, तो उसी प्रकार बी कॉमा ए, बी कॉमा ए, 2,3, 3,2। अब ये एग्जांपल थोड़ा गलत हो गया है, 1,5, 5,6, तो ये 1,6, दैट मीन्स ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, बी कॉमा सी, तो सी कॉमा ए कॉमा सी होना चाहिए, तो ये ट्रांजिटिव होगा। तो इसमें है 1,5, 5,6, तो ए कॉमा सी, 1,6, 1,6 है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव होगा। तो उसी प्रकार से एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमको इसमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ए इज इक्वल टू 1,2,3 .. 13,14, ये डिफाइंड है, 14 तक है, तो ये डिफाइंड है। और एक रिलेशन दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई, 3x-4y इक्वल टू 0, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 3x इक्वल टू वाई लिख सकते हैं हम, यहाँ पे है 3x-y इक्वल टू दिस, तो इस पर हम फर्स्ट 1 पुट करते हैं तो हमारा वाई आएगा 3, और यहाँ पे अगर 2 पुट करते हैं तो वाई हमारा आएगा 6, यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो वाई हमारा आएगा 9, यहाँ पे 4 पुट करते हैं तो वाई हमारा 12 आएगा। अगर यहाँ पे 5 पुट करेंगे, 3,5 इक्वल टू वाई, तो वाई हमारा 15 आ जाएगा। पर ये हमारा रिलेशन में नहीं है, हमारा रिलेशन 14 तक ही दिया हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल हमारा यहीं तक है। तो फर्स्ट हम कार्टेशियन प्रोडक्ट्स लिखेंगे, ए क्रॉस ए, दैट मीन्स 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,14, इसी तरह 14 तक लिखेंगे। ये पॉसिबल नहीं है लिखना, इसलिए हम शॉर्ट में इसको दिखा दिए, 1,1, 2,2, 1,1, 1,2, सो 1,14। इसी प्रकार 2,1, 2,2, 2,14, ये 3, ये 4, इसी प्रकार 14,14 तक जाएगा, लेकिन ये दिखाए नहीं है क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, ये बहुत लंबा जाता। हमारा रिलेशन ये आया हुआ है, पर हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ये है, पर कार्टेशियन प्रोडक्ट का 1,1 है लेकिन रिलेशन में नहीं है। 1, फिर 2,2 भी हमारे पास है, पर हमारे पास रिलेशन में 2,2 नहीं है, डैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू रिलेशन, डैट मीन्स तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फॉर सिमेट्रिक, अगर हमको पता करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, तो हमारे रिलेशन में है 1,3, पर रिलेशन में 3,1 नहीं है, दिस इज बिलोंग टू आर, बट 3,1 इज नॉट बिलोंग टू आर, हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, दैट मीन्स नॉट सिमेट्रिक। और उसी प्रकार हम ट्रांजिटिव के बारे में पता करेंगे। ट्रांजिटिव में क्या है, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, यही ना था हमारे पास, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, तो ए कॉमा सी होना चाहिए रिलेशन में, तो ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, दैट मीन्स 1,3 और 3,9, तो 1,9 हमारे रिलेशन में होना चाहिए, बट ये नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। Thank you.